और अब बात उस बदलापुर की जिसने एक परिवार से उसका सब कुछ छीन लिया। एक पत्नी की आंखों के सामने उसके पति का बेरहमी से कत्ल। पत्नी ने पति को बचाने की कोशिश की लेकिन हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। हत्यारे बाप बेटों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था जिसके पीछे छिपा था 2 साल पहले का वो बदलापुर। आखिर 2 साल पहले क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। लाश के पास बदहवास थी वो, पत्नी के सामने पति का मर्डर। दो साल बाद बदलापुर, एक कत्ल, 3 कातिल। एक पत्नी का ये विलाप तड़पा देता है जिसकी आंखों के सामने उसका सुहाग उजाड़ा गया, जिसने अपने पति को बचाने की कोशिश भी की लेकिन हमलावरों ने उस पर भी हमला किया। मासूम बच्चे भी पिता की लाश के पास बेसुध खड़े हैं। इधर काफी देर तक लाश ऐसी ही पड़ी रही, इन आंसुओं की भी किसी ने सुध नहीं ली। लोग दहशत के मारे पास ही नहीं आए। अब इस परिवार की खुशियां किसने छीनी, उन कातिलों की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। 3 हत्यारे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से इस शख्स का कत्ल किया। मुंगेली के लोरमी थाना इलाके के बोड़तरा में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। ये आरोपी बाप बेटे हैं। हत्यारे शिव प्रसाद ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर रोहित साहू को मौत के घाट उतारा था। थाना लोरमी क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में एक साहू की हत्या हुई थी। वो लगभग 40 साल के हैं और हत्या मतलब शिव प्रसाद जायसवाल और उसका पुत्र कुंभकरण पिता शिव प्रसाद और उसका छोटा लड़का भागवत जायसवाल, इन तीनों ने मिलकर मृतक की हत्या किया गया। आखिर क्यों बाप बेटों ने मिलकर रोहित को सजाए मौत की सजा सुनाई? दरअसल बदलापुर की ये दिल दहलाने वाली वो वारदात थी जिसके तार जुड़े 2 साल पहले हुई एक वारदात से। 2 साल पहले एक मामले में आरोपी शिव प्रसाद के बेटे भागवत को जेल हुई थी। पुलिस इस मर्डर को इसी मामले से जोड़कर देख रही है। अब हुआ क्या था ये आपको बताते हैं। दरअसल 2 साल पहले आरोपी शिव प्रसाद के बेटे भागवत पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था। किडनैपिंग का मामला था मृतक की नाबालिग बेटी को भगाने का, जिसमें 2 साल जेल में रहकर जेल से बाहर आने के बाद आरोपियों के बीच विवाद हुआ। पुलिस की माने तो इस मर्डर के पीछे ये अहम वजह हो सकती है। हत्या का कारण जानकारी में आया है कि जो मृतक की लड़की नाबालिग थे उसको आरोपी शिव प्रसाद का लड़का भागवत जायसवाल भगाया था, जिस पर अपराध दर्ज हुआ था वर्ष 2019 में, जिसमें भागवत गिरफ्तार हुआ था। तो लगता है कि हत्या रंजिश के कारण हुआ होगा। 2 साल पहले आरोपी को जेल हुई थी, इसी बीच मृतक की बेटी ने सुसाइड भी कर लिया, जिसमें कहीं न कहीं मृतक रोहित के दिल में ये बात थी कि उसकी बेटी की मौत की वजह यही लोग हैं। तीनों आरोपी के विरुद्ध 302, 307, 323, 120 भी अपराध दर्ज किया गया है। हाँ, ये है कि मतलब जो मृतक की पत्नी को भी चोटें आई हैं, मतलब उनके साथ भी मारपीट किया गया था आरोपियों। पुलिस ने तीनों आरोपियों बाप बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 साल बाद इस बदलापुर ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।